विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके ठीक पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहीं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी लगातार कई तरह के जो परिवर्तन हुए हैं उस पर खासा मीडिया के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और यहाँ तक कि सदस्यों को भी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का विधानमंडल का सत्र जो होगा भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसकी प्रक्रिया देश में सबसे पहले शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि देश का यह पहला ऐसा सदन होगा जहाँ नेशनल ई विधान कल यानी 25 नवंबर से ही लागू हो जा रहा है। उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी बुलाकर इस पर विशेष बातें बताई जाएंगी। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार विधान परिषद देश का पहला ऐसा सदन होगा जहाँ नेशनल ई विधान कल यानी दिनांक 25 नवंबर को लागू हो जाएगा। आज विधान परिषद में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से अधिक से अधिक सवालों की प्राप्ति होगी, साथ ही अधिक से अधिक जवाब भी समय पर जनता को प्राप्त होने में सुविधा होगी। इस बात को लेकर के निश्चित रूप से एक परिवर्तन तो हुआ है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बात हो जाती है और आम जनता के सवाल आते हैं तो विधानमंडल और विधानसभा जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया है और सबसे बड़ा जो कहा जाए तो स्थल है, वहाँ से आम लोगों की बातें सुनी जाएंगी। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कहा अवधेश नारायण सिंह ने। ये काम पैरेलल चलेगा, दूसरी तरह से पहले जो चल रहा था उस पर भी हम लोग करेंगे ताकि इसका रिकॉर्ड रहे और डिजिटल रिकॉर्ड हम लोग बनाने की कोशिश, ताकि 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष के बाद ये रिकॉर्ड मिले। जिससे हम लोग का हुआ था ना, यहाँ अभी एक हम लोग मूर्ति लगाए उनका अपने गेट पर लगा हुआ जो मूर्ति बटुकेश्वर दत्त जी का, स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी का, तो इनके बारे में जानने के लिए हम लोग भेजे वहाँ पंजाब और कई कई लोग गए, शताब्दी यहाँ मनाई गई थी तो इंग्लैंड तक गया लोग यहाँ का लाने के लिए। अगर ये सुविधा रहती तो यहीं पर ले लेते उस समय, तो ये सारी सुविधाएँ ये उपलब्ध कराई जाएगी यहाँ पर इसके माध्यम से। और हम लोग 25 तारीख को 11:30 बजे इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होगा, यहाँ पर विधान परिषद के सभा कक्ष में होगा, क्योंकि वहाँ पर सब टैबलेट लग गया है, सब लोग देखेंगे उसका, आप लोग भी उस दिन देखेंगे किस तरह से इसकी व्यवस्था हुई है और किस तरह से काम हो रहा है। तो उस दिन 25 तारीख को आप लोग को भी मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप लोग आके देखिए। 11:30 बजे से होगा, 11:25 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ये करना है 11:25 में, 11:20 में सब लोग माननीय सदस्य सदन के विषय में बैठ जाएंगे, सदन के अंदर बैठ जाएंगे और 11:25 में यहाँ पर एक छोटा सा ये रहेगा, उसका अनावरण होगा, ये जो एक प्लेट लगाया गया है उसका। इसके बाद हम लोग अंदर में जाएंगे, अंदर में जाने के बाद एक कार्यक्रम है उसमें, तो कार्यक्रम तो देने की आज आवश्यकता नहीं है वो, लेकिन 11:30 बजे ठीक 11:30 बजे हम लोग करेंगे इसको, ये उद्घाटन समारोह होगा और सभी माननीय सदस्यों के ऊपर केंद्र से भी, केंद्र में चूँकि केंद्र द्वारा ये पोषित ये है हो रहा है, ये कार्य हो रहा है और बिहार सरकार द्वारा, इसलिए केंद्र के भी मंत्री को हम लोगों ने इन्वाइट किया है, तो और नहीं आएंगे तो वर्चुअली हम लोगों को इसका ये शुभकामना अपना देंगे, तो इस तरह से हम लोगों ने इन्वाइट किया है। यहाँ के भी प्रधान मुख्य सचिव रहेंगे और इसके जो नोडल अफसर हैं माननीय मल्होत्रा साहब वो रहेंगे और ये रहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मल साहब, ये सारे लोग सब लोग रहेंगे और दर्शक दिखावे सभी पत्रकारों को भी हम लोगों ने ये किया है, इन्वाइट किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, माननीय प्रहलाद पटेल जी को संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो जो भी रहे संसदीय कार्य मंत्री जी का यहाँ पर हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए, चूँकि उनका बहुत बड़ा योगदान भी है यहाँ पर और यहाँ के सारे मंत्री सभी मंत्री लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और सदन के अंदर हो रहा है इसलिए बाहरी आदमी का तो प्रवेश नहीं होगा,
उसमें तो नियम है कि भाई बाहरी आदमी नहीं आ सकते, इसलिए सदन के जो माननीय सदस्य हैं वही सब रहेंगे और मंत्री लोग तो जा सकते हैं दोनों सदन में, इसलिए माननीय मंत्री रहेंगे, ये होगा। तो ये सभी कार्यक्रम है। प्रहलाद वेंकट जोशी जी हैं, तो ये कार्यक्रम है। बात हम लोग अभी टेलीफोन से ही बात करेंगे, निमंत्रण तो भेज दिए हैं, ये सब बात हम लोग कर रहे हैं इसी का के लिए, इसकी सूचना देने के लिए। और बिहार के सब लोगों को ये गौरव का एक दिन होगा कि पूरे राज्य में बहुत से कामों में बिहार प्रथम आया है। तो उस तरह से आज ई विधान के मामला में नेशनल ई विधान, और तो विधान एक हिमाचल प्रदेश में है लेकिन नेशनल ई विधान के अंदर वो नहीं है, तो इसलिए ये पहला राज्य होगा कि नेशनल ई विधान के अंदर यहाँ कार्यवाही होगी, अवसर होगा। इसलिए हम समझते हैं कि बहुत ही गौरव की बात है हम लोग के लिए, आप सबके लिए, इसलिए आपका सहयोग। थैंक यू जी सर। इसमें कुछ कड़ाई भी किए हैं सर कि मान लीजिए कि कुछ लोग जो आप लोग को धरना प्रदर्शन करते हैं दस्ती वस्ती फेंकते हैं, तो ये नहीं कि कंप्यूटरें तोड़ने लगे हैं, इसलिए ना ऐसा नहीं इसके लिए हमारे सदन में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में अध्यक्ष थे, तो एक एथिक्स कमेटी बनी है और सदस्यों के आचरण पर वो ध्यान रखती है। तो इस तरह का कोई आचरण होगा ऐसा हमको नहीं है, माननीय सदस्य सभी समझदार हैं, सभी चतुर हैं और सभी विद्वान हैं, तो इस तरह से उन लोगों से इस तरह की अपेक्षा नहीं होती है। और उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की संपत्ति तोड़ेंगे क्यों? ये सब तो अपने यहाँ कभी हुआ भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। हम समझते हैं कि बिहार विधान परिषद में इस तरह की समस्या नहीं आई है और उन्हीं की संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, तो इसमें ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे। और उच्च सदन है, इसमें आचरण के लिए जाना जाता है, तो उसके अनुकूल होगा कार्य। हम लोग शुरू करें ना, सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बुलावे पर आ पाए लोग, और एक खास इसका आज मकसद है, इसके लिए आप लोगों से मैं रूबरू होना चाहता था। ये है कि हमारे विधान परिषद में ये नेवा ई विधान लागू हो रहा है यहाँ पर, ये और देश का पहला ये सदन है, देखो बंद करो भाई, महिला सदन है जहाँ पर नेशनल ई विधान का की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम लोग के यहाँ शुरुआत हो रही है और इसके लिए केंद्र सरकार से पैसा मिला 60% और 40% बिहार सरकार ने इसमें पैसा दिया है, और इससे हम लोग को सारी बहुत सा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। पहले कुछ ना कुछ डिसरमेंट के चलते समूचा क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, जिससे जितना भी क्वेश्चन अगर पूछा गया उस दिन उसका जवाब नहीं आता था, लेकिन इसके होने से पहले तो जवाब आ जाएगा, लोग देखेंगे और यहाँ अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और दूसरा चीज़ होगा कि अधिक से अधिक जनता की समस्याओं का हल होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है, प्रश्नोत्तर काल जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, ध्यानाकर्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और सरकार उसका विधिवत उत्तर देती है। और इसके बाद में अगर कुछ खामी रहती है या कुछ कमी रहती है, कमी रहती है, तो उस कमी को प्रश्नों के द्वारा फिर सरकार से पूछकर माननीय सदस्य लोग उसको अपना सेटिस्फाइड होने पर प्रश्न ध्यानाकर्षण का बहुत बड़ा एक हो ये बेनिफिट है। और इस तरह से प्रश्न ध्यानाकर्षण हो गया और ये निवेदन हो गया और बहुत सी चीज़, जितनी समितियाँ हमारे यहाँ हैं उन समितियों का भी काम हो जाएगा बढ़िया से, इसके द्वारा माध्यम हो जाएगा इनमें। और सभी लोग, चाहे ये माननीय सदस्य हों या जो ये है बाहर के लोग, भी अपने टेलीफोन पर उसको कार्यवाही को देख सकते हैं। और जो भी कार्यवाही यहाँ पर ये है, हम लोग बनाए हैं एक जो सुविधा केंद्र भी बनाए हैं, तो सुविधा केंद्र के माध्यम से कोई भी सदस्य अपने प्रॉब्लम को वहाँ दे सकते हैं, उनके समस्या का भी समाधान वहाँ उसके माध्यम से होता है, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सब ये होता है। और पूरा प्रश्न अब हो गया ये ऑनलाइन होगा, यहाँ पर आएगा प्रश्न
और उत्तर भी बने, चाहेंगे तो जा सकता है उसमें। तो इस तरह से अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।